आज दे टाइम दी गल करां ते अपडेशन बहुत जरूरी है, चाहे वह किसी भी अदारे च होवे। एजुकेशन दे अदारे च तां बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अज मैं तुहानू पहुंच गई हां जी लैके सरदार सोभा सिंह पब्लिक स्कूल च। सरदार सोभा सिंह पब्लिक स्कूल ने किस तरह की अपडेशन की है, अपने स्कूल नू लैके होवे चाहे वह एजुकेशन नू लैके होवे। अंदर चल के वेखदे हां की कुछ बदलिया इस स्कूल दे विच। सो स्कूल दे अंदर एंटर करन तो पहला चैक पोस्ट होंदी है, प्रॉपर तरीके नाल एड्रेस फोन नंबर नोट किया जाता है, फिर तुहाडी होएगी अंदर एंट्री। सोभा सिंह पब्लिक स्कूल का यह है जी रिसेप्शन एरिया, जिथे कि तुम क्वारी के लिए आ सकते हो। अगर गल करा बहुत पीसफुल तुम्हें इतने माहौल मिलेगा। अकैडमिक सैक्शन पूरी तरह अलग किया हुआ ता कि किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस बच्चा ना हो। AHG क्लासरूम जिथे बैचेस में छोटे रखा गया ताकि हर बच्चे से फोकस किया जा सके। वैल एजुकेटेड तुम्हें टीचर भी मिलेंगे। ऑडियो वीडियो के जरिए स्टूडेंट्स को पढ़ाया लिखाया जाता है। सो गल अगर की जाए ट्रांसपोर्टेशन की, तो 30 तो 35 किलोमीटर के दायरे से स्टूडेंट्स को अप एंड डाउन करवाया जाता है प्रॉपर सिक्योर तरीके। सो हम तुम्हें विखाई जी स्कूल की कैमिस्ट्री लैब, तुम वेख सकते हो जिते बच्चे एक्सपैरिमेंट करते हैं, इतने भी तुम्हें टीचर प्रोवाइड करवाए गए। तो हूँ मैं तुम्हें लैके आई हाँ जी फिजिक्स लैब। तुम वेख सकते हो थ्यूरी के नाल प्रैक्टिकल भी बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिकल होएगा तो ही तुम्हारा हाथ जोड़ा वो साफ होएगा और माइंड फ्रैश होगा। अपडेशन की गल चल रही है तो लैब्स तुम वेख सकते हो पूरी तरह अपडेट कर दी गई ने लैब्स भी, और प्रोफेसनल टीचर सानू इतने भी प्रोवाइड करवाए गए हैं। सरदार सोभा सिंह पब्लिक स्कूल तुहानू दे रहे एक वड्डी स्पेस दे विच बड़ी खूबसूरती दे नाल डेकोरेट की थी लाइब्रेरी की। गल करा बुक्स की, नंबर ऑफ बुक्स तुहानू इस लाइब्रेरी दे विच मिल जाएगी। सो जिहड़ी बुक्स तुहानू पसंद है, जिहड़ी बुक की तुसी पाल करदे हो, वो तुहानू इस लाइब्रेरी दे विच मिलेगी। तुसी वेख सकते हो एक वड्डी स्पेस दे विच लाइब्रेरी तुहानू प्रोवाइड करवाई गई है। सरदार सोभा सिंह पब्लिक स्कूल के प्रिंसीपल मैम कविता शर्मा जी मेरे जुड़ चुके हैं, गलबात करते हैं, ज़्यादा जानकारी स्कूल की उन्होंने को लेते हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। मैम अगर गल करा सरदार सोभा सिंह पब्लिक स्कूल की, एज ए प्रिंसीपल तुसी सेवावां निभा रहे हो, एजुकेशन का दायरा किस तरह का होना चाहिए? मैम अजकल जिहड़ा एजुकेशन का दायरा है कि बच्चे की आपां ऑलराउंड डिवेलपमेंट पर फोकस करना चाहिए है ना, कि अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ टाइम दैट इज़ वेरी नेसेसरी। सो यही चीज़ असी फॉलो करी दी है कि बच्चे अकैडमिक दे नाल नाल रेस्ट को करिकुलर एक्टिविटीज़ दे विच, स्पोर्ट्स दे विच, कि वो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋਣ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਐਡ ਆਨ ਕੀਤਾ 2023 ਔਰ 24? ਸੀ ਮੈਮ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਦਿਸ ਈਅਰ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿਡ basketball here, basketball coaching to the kids. Now we are preparing athletic ground also, field also, we are preparing for that. Last year district level tak circle kabaddi de vich sade students gaye si, khedda watan punjab diyan hoyan ode vich we got so many prizes won by the kids. And senior secondary tak ho gaya school with all the streams. So thank you so much sana gal baat karan layi, shukriya. So principal ma'am ne bahut sari ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਛੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲੇਗੀ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਨੰਬਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ।